मायके से बंधी डो। मैं जानता हूं ये घड़ी थोड़ी मुश्किल है, मगर थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाए। और अपने आंसू पोंछो और कुछ खा लो। आई को जानती हो ना तुम? क्यों आई की बातों को दिल से लगा लेती हो तुम? जानते हो ना तुम, वो कभी कभी कुछ कड़वा बोल जाती है। मुझे आई की बात का कोई बुरा नहीं लगा, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो वो उस इंसान पर जिसके जाने पर भी हमें वो तकलीफ देकर गए और आज वापस आए तो भी तकलीफ लेकर। उनकी वजह से आज फिर मेरी आई को इतने अपमान का सामना करना पड़ रहा है। उसके अपने बच्चे उस पर सवाल उठा रहे, नफरत करती हूँ उस इंसान से। अवनी, जो भी है वो है तो तुम्हारे बाबा ना, तुम्हें उनसे ऐसे नफरत? तो आप ही बता क्या करूं फिर? वो हमें बेसहारा छोड़कर चले गए और उनकी गलती की सजा मेरी आई भुगत रही है। लोग तरह तरह की बातें करते, उंगली उठाते मेरी आई पर। अवनी, मैं जानता हूं गलती तुम्हारे बाबा की है, लेकिन आई एम श्योर तुम्हारे बाबा को अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया हो। नहीं हुआ है उन्हें एहसास। चंद रुपए रखकर हम लोग को छोड़कर चले गए थे और आज जब रिश्ता जोड़ने आए तो भी पैसे देकर रिश्तों को वो पैसों से तोलते खरीदना चाहते हैं वो। हमनी, इस दुनिया में कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो पैसों की वजह से बिगड़ते हैं। मैं अपने बाबा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुमने मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ किया, मुझे एक दूसरा मौका दिया ना। क्या दूसरा मौका देके तुम्हें कोई पछतावा हुआ? नहीं ना। अपने मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक और मौका अपने बाबा को जरूर देना चाहिए। फैसला तुम्हारा है, तुम जो भी फैसला लोगी उस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे कल होने की बहन जो उससे छोटी है ना, उसका दुल्हा वो कार्तिक है ना, उसका फलदान था। बड़ा तमाशा हुआ, तूने कुछ सुना नहीं? तो वहाँ एक बड़े अमीर आदमी भी आए थे, सूर्यकांत जी उसका नाम, वो अवनी की जान बचाई ना वो विसर्जन वाले दिन। हाँ वही तो, भास्कर ने तो उन्हें कह दिया कि वो पिता वाली रस्म पूरी करने के लिए, लेकिन अवनी ने सबके सामने उन्हें रोक दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है, उसे इतना गुस्सा क्यों है। मुझे इतनी बातें कहाँ से पता चली? अरे वो क्या है ना, मेरे पति के बड़े साहब है ना, वो कार्तिक के बाप के रिश्ते में है, वहीं से तो सब खबर आई। और ये भी पता चला है कि अवनी का बाप है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है। कोई तो कहता है कि अवनी का बाप उसके आई को छोड़कर कई साल पहले ही भाग गया। इतनी बातें चल रही है, अवनी की बहन का रिश्ता तो टूट गया होगा ना? अरे अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी नकती तई अवनी को तो बहू बना के लेके आई। नकती ने तो हम सबसे कहा था कि अवनी का बाप मर चुका है। हो सकता है अग्नि की आई ने नकती से भी झूठ कहा। नकती तई को सब कुछ पता होगा, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए हमें बताती है। बड़ी इज्जत वाली बनती है नकती। जिस औरत के पति का पता नहीं, इसको समधन बना लिया। पता नहीं क्या कैरेक्टर की होगी इसकी समधन। मैं तो ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करती, और अगर गलती से हो जाता ना तो तोड़ भी देती। अब कोई नहीं बचा सकता अग्नि की मायके की बदनामी को और नकती के घर वालों की बदनामी को। कीचड़ उछलेगा उन्हीं के मायके पे, और कुछ छींटे नकती के घर पे भी गिरेंगे। तू अंदर चल। काय करेगी आई? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलना। बाबा के बारे में पूछना है तुझे।